ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୁହାର ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆମ ଏଠି ଗ୍ରିଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଛି यहाँ पे हम लोग आते थे अपना ट्रेनिंग लेने के लिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करता था. साल है 2004-5 का जब मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग करती थी और यहाँ हम लोगों का जब ट्रेनिंग हुआ था किट्स यूनिवर्सिटी में भी ये बच्चे आ रहे थे और आने के बाद ये पूरा जंगल था. मतलब आने के लिए बिकॉज मेरा कॉलेज वुमेंस कॉलेज था आपके बगल में ही KISD, एक ऑटो पकड़ने के लिए हम लोगों को ये डर लगता था कि अकेले कैसे ट्रैवल करेंगे उस ऑटो से अपने कॉलेज से पटिया से यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग लेने के लिए फॉर अ मंथ. इतना डर कि कहीं दिन दहाड़े अकेले दूर दूर तक आदमी नहीं. गर्मी का मौसम आप लोग जानते हैं कैसा होता है उड़ीसा का. उस मौसम में ट्रेनिंग लेने के लिए खाने के लिए हम लोगों के पास कुछ नहीं होता था. तो एक आदमी आता था साइकिल में बड़ा हांडी लेके. आप समझ सकते हैं कि वो क्या बेच रहा होगा. थोड़ा ट्राई करिए क्या बेच रहा होगा. दही बड़ा सेटा सेटा वो डिश थीला सेटा ब्रेकफास्ट थीला सेटा लंच थीला. क्योंकि सुबह मॉर्निंग से लेकर के शाम को हमको ट्रेनिंग करनी पड़ती थी एंड फॉर उस बीच में खाने के लिए दैट इज ओनली द फूड वी हैड. ओनली द फूड जो आज दिख रही है कल्पना मुर्मू सुरेन, उस समय कल्पना मुर्मू थी वो ऐसी नहीं थी, वो आपके जैसी थी. आपके चेहरे का जो चमक है, आपके शरीर की जो बनावट है, वो आपको ईश्वर ने दी है. लेकिन आप खुद में ईश्वर हैं क्योंकि आप एक जननी हैं. आपसे आने वाली पीढ़ी बनेगी और अगर आप बच्चियां, खास करके बच्चे लोग, मैं आपके पास भी आऊंगी, बस खास करके बच्चियां, अगर आपके अंदर में आत्मविश्वास है और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो आत्मविश्वास आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है. अगर आज आप जंगल के अंदर से, छोटे से गांव से अगर निकल के यहाँ तक का सफर अकेले तय कर सकते हैं, तो आसमान में उड़ने के लिए सर के गाइडेंस से और सारे टीचर, सारे परिवार का साथ होते हुए आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, ये मुझे विश्वास है. क्योंकि मुझे आप पे विश्वास है और यहाँ खड़े होके मुझे इतनी खुशी मिल रही है. मुझे अपना बचपन, अपने स्कूल का समय, अपने कॉलेज का समय, ऐसे ही हम लोग दुपट्टे पहनते थे. दिस इज द काइंड ऑफ अ सूट वी यूज टू वेयर, सूट दुपट्टा. सो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि आपके अंदर में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी. आज ये करना है, आज वो करना है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस भी है, सब कुछ है. लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लक्ष्य पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है. बहुत, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे कई गुना ज़्यादा. तो वहाँ कोने से बैठे बच्चे, पीछे से बैठे बच्चे, यहाँ से बैठे बच्चे, बस अपने ऊपर विश्वास रखिएगा. आपका आत्मविश्वास आपसे कोई नहीं छीन सकता. और आजकल के जो मेरे नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये हमारे सबसे बड़े सपोर्टर हैं. क्योंकि पहिया एक तो नहीं होता, साइकिल भी चलने के लिए दो चाहिए, ऑटो चलने के लिए तीन चाहिए, गाड़ी चलने के लिए चार चाहिए. तो सिर्फ लड़कियों का अकेला विकास करना आई थिंक थोड़ा अधूरा हो जाएगा. साथ में हम लोगों को अपने युवकों को भी आगे ले जाना चाहिए. आपको भी, खासकर बच्चों, अब तो बच्चे हैं, अपने गोल को, आप जो बनना चाहें, आप जो करना चाहें, आप कोशिश ज़रूर करिए. हारिएगा, 100% हारिएगा, लेकिन डरना नहीं है.
क्योंकि हार हार के एक बार, दो बार, तीन बार, आप किसी की भी कहानी पढ़ लीजिए, अगर कोई किसी भी तरीके से कामयाब है, अपने क्षेत्र में कहीं भी कामयाब है, तो उसने गिर गिर के ही सीखा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।